आपने कभी ना कभी किसी ऐसे बंदे के बारे में तो जरूर सुना होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा और जिसका दिमाग बहुत फास्ट चलता होगा। और आपके भी मन में सवाल जरूर आया होगा कि काश मेरा भी दिमाग ऐसा ही चलता। मुझे पता नहीं कि अभी आपका दिमाग कैसा चलता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका भी दिमाग फास्ट चलेगा। शायद आपको यकीन ना हो, पर 100% गारंटी के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, जिसे अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो दोस्त आपको कोई रोक नहीं सकता। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, भले आप 2 से 3 बार में देखो लेकिन पूरा जरूर देखो। अगर आप रियल में अपने ब्रेन को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, अगर आपका तेज दिमाग है तो सबसे पहले आपको कोई दबा नहीं सकता। अपने दोस्तों में आप कभी पीछे नहीं रहोगे। देखो, आपको चाहिए एक शार्क माइंड, ऐसा माइंड जो किसी भी चीज को जल्दी से याद कर ले और लंबे समय तक याद रखे। आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, जो किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने में सक्षम हो। तो इन सब चीजों के लिए ये वीडियो देखना तो बनता है, राइट? इसके बाद में आप ये सोचना भूल जाओगे कि आप किसी से कम हो, चाहे वो आपके क्लास का कोई टॉपर ही क्यों ना हो। देखो, कोई भी इंसान इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, बस वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा कार्य करता है जिसे उसका माइंड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बनता है। और स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो, दिमाग का क्षमता अनलिमिटेड है, ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को भी किसी इंसान का दिमाग ही बनाया है। तो आप भी अपना लिमिटेशन हटाइए कि आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे कमजोर हूँ, और किसी इंसान को कोई बुद्धू समझता है इसलिए क्योंकि उसका दिमाग कमजोर है, तो जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मैं कमजोर हूँ, तो आपका दिमाग उसी दायरे में काम करेगा। जैसे एक मेंढक अगर एक कुएं को ही अपना दुनिया मान ले तो उस कुएं से वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वहीं जब ये मान ले कि इसके बाहर भी एक बड़ी दुनिया है तो वहां से वो जरूर बाहर निकल जाएगा। तो बस उसी तरह हमारा दिमाग है, हम इसको जहां तक सीमित रखेंगे बस वहीं तक ये सिमट कर रह जाएगा, और इसको हम जहां तक इम्प्रूव करना चाहें वहां तक ये इम्प्रूव हो भी जाएगा। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, अपनी दिमाग और अपनी सोच को सीमित मत रखो, हर इंसान कुछ भी कर सकता है, बस वो सोचे और उसके लिए कार्य करे। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इसको इम्प्रूव कैसे करें। इससे पहले आप ये जान लो कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है, वीक बना रही है। जिस तरह हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे तो सुनने का कोई फायदा ही नहीं, उसी तरह एक तरफ से हम अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हम अपने ब्रेन को डैमेज भी कर रहे हैं। तो फालतू में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे आदतें हैं जिसे अगर आप दोहराते रहें तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपका ब्रेन इम्प्रूव होगा ही नहीं, जहाँ तक कि पहले से डैमेज ही होगा। तो इन्हें आपको सुधारना होगा। क्या आप तैयार हैं? आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ब्रेन को वीक करने वाली आदत नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा टीवी या मोबाइल देखना। आप ज्यादा देर तक ऐसी चीजें वॉच करते हैं जो आपके काम का बिल्कुल नहीं है, तो आपकी एनर्जी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की लेवल बिल्कुल गिर जाती है। उस समय आप खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते और इससे आपका तनाव बढ़ता है और दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है, इसलिए आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता और फोकस पावर खत्म होने लगता है। नंबर 2, अगर आप पोर्न देखते हैं और मास्टरबेट करते हैं या नशा ड्रग्स की है या सिगरेट की, तो ये आपके दिमाग को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करती है, शायद आपको इसका अंदाजा भी ना हो। ये आपके निर्णय क्षमता को तो बिल्कुल बर्बाद कर देती है, आपका फोकस पावर इतना वीक हो जाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 3, ज्यादा शुगर यानी मीठे चीज या ज्यादा तले हुए चीज खाने से भी आपका ब्रेन डैमेज होता है, तो इसे आप जितना हो सके उतना कम करो। नंबर 4, ज्यादा नेगेटिव बातें सोचना, जिसे तनाव, एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, जो आपके ब्रेन को डैमेज करता है। तो ये सभी आदतें आपके ब्रेन को कभी इम्प्रूव नहीं होने देगी। तो दोस्त, इन 4 आदतों से, खास करके 1 और 2 नंबर वाली आदतों से आप बाहर निकल जाते हो तो आपका ब्रेन डैमेज होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। तो इन आदतों से निकलने के बाद हमारा ब्रेन डैमेज होना बंद हो गया, अब हमें इसको इम्प्रूव करना है, राइट? पर क्या आप बैठे बैठे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? क्या आपका सिक्स पैक आ सकती है? संभव ही नहीं है, पर हाँ, बैठे बैठे तोंद जरूर निकल सकता है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम जाना पड़ता है, सिक्स पैक बनाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ब्रेन भी हमारा बॉडी का पार्ट ही है, तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बस तरीके अलग होंगे। जिस तरीके से इंसान संघर्ष करने से मजबूत होता है, कमजोर नहीं, उसी तरीके से अगर हम ब्रेन को भी संघर्ष कराएं तो ये 100% मजबूत होगा। एग्जाम्पल नहीं है, 100% प्रूव्ड है। नंबर 1, डू ब्रेन ट्रेनिंग।
देखो जिस तरीके से हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज ना करें तो वो थुलथुल सी हो जाती है, लोहे का इस्तेमाल ना करें तो जंग लग जाती है। तो अगर हम ब्रेन का उपयोग ना करें या थोड़ा बहुत करें तो बस इसका भी हाल शरीर की तरह हो जाती है, बस हमें दिखाई नहीं देता। तो इसको हम जितना चुनौती देंगे, जितना इसे संघर्ष कराएंगे, ये उतना ही शार्क बनता जाएगा। तो ब्रेन ट्रेनिंग के लिए ये ऐप आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर पर ना मिले तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 5 तरीके से ब्रेन को ट्रेन करने का ऑप्शन मिलता है। पहला कंप्यूट, दूसरा आइडेंटिफाई, तीसरा एनालिसिस, चौथा विजुअलाइज और पांचवा मेमोराइज। अगर आप इसे 15 दिन के लिए यूज करते हैं तो आपके ब्रेन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें से मेरा 2 ऑप्शन सबसे फेवरेट है, विजुअलाइज एंड मेमोराइज। ये ब्रेन को बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन करते हैं, जिससे याददाश्त बढ़ जाते हैं और साथ में फोकस पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आपके मोबाइल में हमेशा इंस्टॉल्ड होना चाहिए और जब भी खाली समय मिले तो इंटरटेनमेंट वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इस पर अपना टाइम दे। ये आपके ब्रेन को हमेशा इम्प्रूव करता रहेगा। आप इसे अभी इंस्टॉल्ड कर लो। इसका नाम है सुपर ब्रेन ट्रेनिंग। इस 5 ऑप्शन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे चूज कर लो और खेलना शुरू कर दो। अपने दोस्तों के साथ आप इसे चैलेंज के तौर पर भी ले सकते हो। बहुत काम का ऐप है दोस्त। नंबर 2, एक्सरसाइज। दोस्त ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, पर एक बात, हम एक्सरसाइज से भागते क्यों हैं? क्यों हमें ये अलग लगता है? क्योंकि हमारे आसपास के 90% लोग वो होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते और ना ही इसे जरूरी समझते हैं। और बहुत लोग इसके बारे में तो जानते भी नहीं कि इसे क्या फायदा है। और जो चीजें हमारे आसपास के माहौल से बाहर होते हैं उसे हम जरूरी नहीं समझते। पर आप नए दौर में जी रहे हो, आप जितना इससे भागोगे आप अपनी प्रॉब्लम और बड़ी करते जाओगे। हम एक्सरसाइज से अपना कुछ नहीं खोते, हमें तो सिर्फ मिलता है एक बेहतर पर्सनालिटी, हेल्थी माइंडसेट। हम जो भी करते हैं बाकी के 90% लोगों से बेहतर करते हैं। और एक्सरसाइज बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन गेन करते हैं और वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है, जिसे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और ब्रेन धीरे धीरे हेल्थी बनते जाता है। तो एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, हेल्थी भोजन करो। देखो जब एक्सरसाइज करोगे तो उसके लिए हेल्थी फूड जरूरी है क्योंकि हेल्थी फूड से एनर्जी बूस्ट होती है। पर हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्थी फूड लेना इजीली संभव ना हो, तो आप घर के खाना को ज्यादा प्रेफर करो ना कि बाहर किसी होटल के। और घर के खाना हमेशा हेल्थी होते हैं। और आप मार्केट से ज्यादा हरी सब्जियां लाओ, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। और एक बात, आप सोचो कि अभी आपके लिए हेल्थी फूड इजीली संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? और उस कमी को दूर करने के लिए आज आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी है। और इसका मेन कारण है गरीबी, और इसे आप ही दूर कर सकते हो। इससे कितने लोग सहमत हैं? #टैग लगा के अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नंबर 4, नींद भरपूर लो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो क्योंकि ब्रेन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी जरूरी है। दिन में 2 से 3 लीटर के बीच में पानी जरूर पियो। आदत नहीं है तो बोतल में पानी भर के अपने आसपास या अपने टेबल पर रख लो और आप देखो कि कुछ ही घंटों में उस पानी को आप खत्म कर लोगे। क्योंकि हमारे आसपास पानी नहीं रहता तो हमें प्यास नहीं लगता, लेकिन आसपास पानी रहता है तो हम जरूर पीते हैं। ये प्रैक्टिकल है, अभी ट्राई करो। अगर मेडिटेशन कर सकते हो, संभव है तो करो, नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करो। 2 मिनट के लिए करो, लेकिन करो। तो दोस्त ये हो गए कुछ तरीके जिससे आपके ब्रेन इम्प्रूव होते हैं। बस आप ख्याल रखो कि शुरुआत में बताई गई गलतियों को आप ना दोहराओ। तो दोस्त किसी भी प्रकार के डाउट हो और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।